हेलो नमस्कार आप सभी का और गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि बहुत लोग देखे होंगे, ठीक है, बहुत लोग मालूम भी होगा कि रिजल्ट आया है बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का और उसमें भी मेरा हो गया सिलेक्शन। तो थोड़ा सा मैं उसी रिजल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो है रिजल्ट का सफ़र क्या रहा, ठीक है, रिजल्ट का सफ़र क्या रहा और फिर नेक्स्ट वैकेंसी इसका कब आने का चांस है और ये किस टाइप का जॉब है, ठीक है। बस उसके बारे में कुछ और भी बताऊंगा और कुछ मेरे मन में भी डाउट है, वो भी डाउट आप लोगों के लिए ओपन कर दूंगा, ठीक है। आप लोग उस डाउट के बारे में बताना, ठीक है, कमेंट करना। देखो बीपीएससी लेक्चरर का मैं बताऊँ तो ये लेवल 10 का जॉब है, ठीक है, और ग्रुप पे, हालांकि ग्रुप पे है कहीं पे, कहीं पे नहीं है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन है। अब इस पर मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, ठीक है, कि है या नहीं है। और बाकी लेवल 10 का जॉब है, 56,100 इसका ग्रेड पे है, ठीक है, बेसिक, ठीक है, और बेसिक पे है, सॉरी ग्रेड पे अलग होता है, बेसिक पे है ये और बाकी अलाउंस है सारे। और ये बिहार का जॉब है, ठीक है, और जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं बिहार के गवर्नमेंट, वहाँ पर आप लेक्चरर बनते हैं, ठीक है। और प्रमोशन वगैरह का बात में किया जाएगा, अभी तो बता रहा हूँ बस जस्ट कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहा। तो ये क्या था, बेसिकली 17 का ही वैकेंसी था, शायद 16-17 का ही वैकेंसी था, 2016-17 का, और कुछ रीज़न से इसका 18 में एग्ज़ाम नहीं हो पाया, ठीक है, फिर थोड़ा पेंडिंग रहा इसका केस कुछ रीज़न से, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो पाया इसमें ज्वाइनिंग वगैरह। तो फिर इसका जाके कोर्ट से इसका वो क्लियरेंस मिला, फिर इसका 2020 में इसका जो है नोटिफिकेशन आया, ठीक है, फिर से, और 2020 में आया तो फिर 20 में इसका फॉर्म फिल किया गया, ठीक है, और इसका जो है 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2022 में एग्ज़ाम हुआ रिटर्न, और एग्ज़ाम के बाद जो है 2023 में जाके 2022 के शायद जून जुलाई में, है ना, जून जुलाई में शायद इसका, हाँ जून में इसका एग्ज़ाम हुआ, आई थिंक जुलाई में इसका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। और फिर जो है मैं बताऊँ तो फिर 2023 में आके 2023 के आई थिंक जनवरी में 2023 के जनवरी में इसका जो है इंटरव्यू हुआ, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट इसका जो है अभी आया है कितने 30 मई को, है ना, 30 मई को रिजल्ट आया है इसका, मतलब समझिए 5 महीने के बाद, ठीक है। और जनवरी मतलब इंटरव्यू कंप्लीट 2023 के जनवरी में, और इंटरव्यू के और फाइनल रिजल्ट आया है 5 महीने के बाद 30 या 29 मई, शायद 30 मई को, 30 मई को इसका रिजल्ट आ गया है और फाइनल उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और अभी ये कितना नंबर में मेरा सिलेक्शन है मुझे उतना याद नहीं है, बट ठीक है, इसमें भी हो गया सिलेक्शन। अब यहाँ पे अब ये सफ़र कैसा रहा तो मैं बताऊँ तो इसमें थोड़ा लंबा वक्त लगता है, आप खुद सोचो कि 16 का वैकेंसी 18 पेंडिंग हो गया, फिर 20 में क्लियरेंस हुआ, फिर 20 में इसका वैकेंसी निकला, वो वैकेंसी फिर से निकला, फिर आपने इसका फॉर्म, आपको फॉर्म फिल करना है, फिर जो है इसका 20 में आप फॉर्म फिल किए, फिर इसका 21 कुछ नहीं, फिर 22 में जाकर आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 2 साल के बाद, फिर 23 में इसका जो है फाइनली हुआ। तो समझो कि 3-4 साल लगे पूरे इसमें वैकेंसी को कम्प्लीट होने में, ठीक है, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी भी इसका ज्वाइनिंग हो सकता है कि 6 महीने डिले हो जाए, 6 महीने के बाद इसका ज्वाइनिंग आए, ठीक है, 6 महीने 4 महीने कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा है, अब मेरे मन में जो डाउट है मैं वो बता रहा हूँ कि आप लोग इस डाउट का आंसर देना, हालांकि शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। मेरा डाउट ये है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे UPPCL छोड़ के लेक्चरर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और हालांकि मैं अगर कंपेयर करना आप लोगों को है, अगर आप लोग कुछ ज़्यादा आइडिया हो, ठीक है, तो आप लोग बताइए कि वहाँ भी ग्रेड पे जो है सेम है, ठीक है, यहाँ भी ग्रेड पे सेम है, वहाँ भी लेवल 10, यहाँ भी लेवल 10 है मेरा, मतलब लेक्चरर में जो हुआ है ना। और क्या लगता है आप लोगों को कि लेक्चरर ज्वाइन करना चाहिए मुझे या यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। और आप लोग जिन लोगों को भी अपना एक्सपीरियंस होगा, जिन लोगों को भी ज़्यादा मतलब पता हो, ठीक है, और ज़्यादा दूरदर्शी हो, है ना, ज़्यादा दूरदर्शी हो, ज़्यादा दूर का सोच पा रहे हो, फाइनली एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ बड़ा डाउट नहीं है, मतलब मेरे तरफ से भी डिसीजन है, अभी हो रहा है ना। बट अगर किन लोगों को लगता है कि हाँ उन वो दूरदर्शी हैं, वो बहुत आगे का सोच लेते हैं, तो ऐसा बहुत लोग हो सकते हैं, होते हैं, तो वो लोग अपना है ना व्यू देना, बताना मुझे कि क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है, लेक्चर ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि यहीं रहना चाहिए, ठीक है।
हालांकि मैं इस बार सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया हूँ, ठीक है, आईएएस का, उसमें सिलेक्शन नहीं होने का है क्योंकि इसमें दोनों मार्क्स कम है, ठीक है। प्री में भी जैसे ना कट ऑफ जाएगा 90 अप्रोक्स, है ना, प्री में भी 90 तो नहीं जाएगा, इस बार कम जाएगा थोड़ा, पेपर टफ है। 80 अप्रोक्स कट ऑफ जाएगा प्री का, 80-85, तो मेरा मार्क्स जो है 40 अराउंड आ रहा है, 45 अराउंड, है ना। तो इसमें हालांकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो तैयारी उतना सही था नहीं, ठीक है। और सी सेट का पेपर जो है, सी सेट में भी क्वालिफाई करना होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं आपके, तो सी सेट में भी मेरा जो है 55 अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, 55-60 अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ भी नहीं होने का चांस है, इसमें भी जो है 66 कट ऑफ चाहिए था, तो हालांकि इस बार नहीं होगा। बार हालांकि मैं इसलिए बता रहा हूँ अपना मार्क्स की, जस्ट मैं अभी फर्स्ट इसका है ना वो शुरू किया हूँ, ठीक है, सिविल सर्विस का, तो हो सकता है कि मैं, मुझे अब टाइम मिले तो मैं उसका उसकी तरफ भी है ना एक साल दो साल और ट्राई करूँगा इसका, ठीक है। और बेसिकली यही है, और मैं यहाँ पे भी मतलब खुश हूँ, और आप वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए आप लोग पूरा बताएं कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय।